हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रवासी भारतीय दिवस यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 का 16वां प्रवासी भारतीय केंद्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 16वां भारतीय प्रवासी दिवस 2021 की वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस दौरान उन्होंने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में प्रवासियों को भूमिका और भारतीय डायस्पोरा बिजनेस लीडर्स और सीईओ के साथ $5 ट्रिलियन के लिए वार्ता रखा गया है और क्षेत्रीय PBDGCC प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन साझेदारी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस सरकार के 21 मंत्रालय के तत्वाधान अंडर में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकार विदेशी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 में वाराणसी में आयोजित किए गए 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2003 में। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2003 में आयोजित किए गए प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिरुद्ध जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कितने साल के अंतराल में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विवार्षिक। वर्ष 2017 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन द्विवार्षिक अंतराल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30। वर्ष 2017 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 30 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना और नींव किसने रखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना और नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अपनाए गए लोगो का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवसी सरकार ने। प्रवासी भारतीय दिवस में अपनाए गए लोगो यानी डिजाइन उसका तैयार किया था देवसी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित होगी, इसका मुख्य विषय थीम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सुषमा स्वराज भवन। हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।